दोस्तों, इस वीडियो में हम रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। क्या था रशियन रिवॉल्यूशन? फ्रांस की क्रांति से राजतंत्र यानी राजाओं का शासन खत्म हो गया था और साथ ही लोकतंत्र जिसमें स्वतंत्रता और समानता का साम्राज्य स्थापित हो गया था। पर फ्रांसीसी क्रांति से समाज की कई धारणाएं प्रचलित हो रही थीं, जिनमें कुछ रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव्स विचारधारा के थे, जबकि कुछ उदारवादी यानी लिबरल विचारधारा के थे, और जबकि एक आमूल परिवर्तन यानी रेडिकल्स के पक्ष में थे। अगर इनको संक्षेप में समझें तो उदारवादी चाहते थे कि राज्य में सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, पर ये लोग सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल विचारधारा वाले लोग चाहते थे कि आबादी के बहुमत के आधार पर देश की सरकार निर्धारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोध में नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। इन दोनों उदारवादी और रेडिकल के खिलाफ रूढ़िवादी सोच वाले लोग थे। वे राजतंत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे। अब 19वीं सदी का आगमन था। औद्योगिकरण से लाखों लोग, जिनमें बच्चे औरतें भी शामिल थे, वे कारखानों के रोजगार पर निर्भर होने लगे थे। इसके कारण उन्हें लंबे घंटों और कम मजदूरी पर काम करना पड़ता था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। उनका मानना था कि यदि लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास संपत्ति है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका मिल जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआत में काफ़ी लोग स्वतंत्रता के इच्छुक थे और बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के साथ जुड़ने लगे थे। सभी विचारधाराओं से समाजवाद की विचारधाराओं में सबसे अधिक लोग आकर्षित थे। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोध में थे। वह मानते थे कि किसी भी संपत्ति पर किसी एक का मालिक होना पूरी दुर्दशा का कारण है। उनका यह कहना था कि जिनके पास संपत्ति है वे सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, जबकि वह उनके बारे में नहीं सोचते जो उस संपत्ति में काम करते हैं। वे मानते थे कि अगर संपत्ति को समाज नियंत्रण करे तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। इसी तरह के बदलाव के लिए समाजवादी वालों ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था। इस समय रूस की आबादी में ज़्यादातर 85% लोग किसानी से जुड़े थे। उद्योग बहुत कम थे और ज़्यादातर कारखानों में काम करने वालों को अधिक घंटे 12 से 15 के लगभग और कम वेतन पर काम करना पड़ता था। मजदूरों की तरह किसानों की भी दुर्गम स्थिति थी। ज़्यादातर जमीनों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था और किसान इनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए और कई जगह जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। रूस में ऐसी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा घटने लगी थी। इसी आधार पर समाजवादियों को लगने लगा कि समाजवाद की क्रांति में किसान ज़्यादा तेज़ी से नेतृत्व कर सकते हैं। इसी वजह से 19वीं सदी के आखिर में ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय हो चुके थे। फिर सन 1900 में उन्होंने सोशली रेवोल्यूशन पार्टी, या आप कहिए समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने मांग की कि सामंतों के कब्जों वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। इसी समय रूस में राजा का निरंकुश राज था। किंग जार संसद के अधीन नहीं था। जैसा कि मजदूरों की हालत ख़राब थी और इसी वर्ष 1904 में चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ी थीं और उनके वेतन में 20% तक गिरावट आ गई थी और उनके संगठनों में वृद्धि हुई। और इसी वर्ष 1904 में एक ऐसी घटना घट गई जिसमें असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स या रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव
आयरन वर्क्स ने उनको नौकरी से हटा दिया। तभी मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया और इसी समय पादरी गेफान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जो कि राजमहल था के सामने पहुंचा तो पुलिस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हुए। इस घटना को खूनी रविवार या ब्लडी संडे के नाम से याद किया जाता है और इसी घटना से असली क्रांति को जोड़ा जाता है और फिर पूरे देश में हम हड़तालें होने लगीं। विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया और सभी लोग जिसमें वकीलों डॉक्टर्स इंजीनियर्स और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों आदि शामिल थे मिलकर एक संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। फिर राजा ने एक निर्वाचित परामर्श देने वाली संसद जिसे ड्यूमा भी कहते हैं उसके गठन की सहमति दे दी और फिर राजा ने ऐसे संगठनों को गैरकानूनी करार कर दिया और राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गईं और राजा ने 75 दिन के भीतर पहला ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया क्योंकि राजा किसी भी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर अंकुश नहीं चाहता था। और फिर दूसरी ड्यूमा को सिर्फ 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया और फिर तीसरी ड्यूमा में कानून में फेरबदल करके रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला और उदारवादी और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। फिर 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ जर्मनी ऑस्ट्रिया और तुर्की थे और वहीं दूसरी ओर फ्रांस ब्रिटेन रूस थे। शुरुआत में रूस की जनता ने राजा का खूब साथ दिया लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा होता गया राजा ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टी से सलाह लेना बंद कर दिया। इस युद्ध के दौरान लोग जर्मनी के खिलाफ होने लगे थे और राजा की रानी जो कि जर्मनी से थी और उनका सलाहकार रासपुतिन जो एक सन्यासी था काफ़ी घटिया किस्म का था रानी उससे काफ़ी प्रभावित थी। इन्हीं वजह से भी लोग राजशाही के खिलाफ थे और उन्हें पसंद नहीं करते थे। इस युद्ध में 1914 से 1916 के बीच रूस को काफ़ी हार का सामना करना पड़ा। रूस की सेना पीछे हटने लगी पर रास्ते में पड़ने वाली फसलें और इमारतों को भी नष्ट करती गई ताकि दुश्मन वहां टिक ना सकें। इससे काफ़ी तादाद में लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और भुखमरी का सामना करना पड़ा। इससे लोग राजा से काफ़ी नाराज हो गए और सेना भी युद्ध विराम चाहती थी। इस युद्ध से उद्योगों पर भी बड़ा असर पड़ा। फिर पेत्रोग्राद में ऐतिहासिक घटना घटी। परेशानी से जूझ रहे मजदूर तब अत्यंत क्रोधित हो गए जब 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन जो कि 23 फरवरी थी इसके विरोध में 50 फैक्ट्री के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। इन हड़तालों को ज़्यादातर औरतें नेतृत्व कर रही थीं। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। ये आंदोलन 24 और 25 को भी जारी रहा। फिर 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले से क्रोधित लोगों ने ज़्यादा संख्या में सरकार का विरोध किया। फिर 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों को तहस नहस कर दिया। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए सैनिकों को गोली चलाने के निर्देश दिए पर सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। गुस्साए सैनिकों ने गुस्से में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी और फिर सैनिक भी मजदूरों के साथ शामिल होने लगे। फिर सैनिक और मजदूरों ने मिलकर एक सोवियत या परिषद का गठन किया और अगले दिन सोवियत के प्रतिनिधिमंडल राजा से मिले और उन्हें राजगद्दी छोड़ने की सलाह दी। और फिर इस सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने अंतरिम सरकार बनाई और फैसला किया कि सारे फैसले रूस के भविष्य के लिए एक जिम्मेदार संविधान सभा लेगी और इस संविधान सभा को मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा। इस अंतरिम सरकार में सैनिक भूस्वामी और उद्योगपति ज़्यादा प्रभावशाली थे। इसमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। सभी जगह पर निर्वाचन करा के कई सारी सोवियत संगठन बनाई गईं। दोस्तों, समाजवादी विचारधारा को सबसे ज़्यादा बढ़ाने में बोल्शेविकों की पार्टी थी और व्लादिमीर लेनिन जिसका नेता था
उसने अखबारों और दुनिया भर से चंदा इकट्ठा करके बोल्शेविकों को काफ़ी मजबूत बना दिया था। लेनिन 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। लेनिन अब 1917 में वापस रूस में आ गए और उन्होंने तीन मांगे रखी नई सरकार बनाते समय, जिसमें पहली थी युद्ध समाप्त किया जाए, दूसरी सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और तीसरी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक पार्टी को लगा कि समाजवादी विचारधारा अभी उतनी प्रभावशाली नहीं हुई है, इसलिए शुरू में उन्होंने अंतरिम सरकार जो बनी थी उसका समर्थन किया। समय के साथ साथ मजदूर आंदोलन और तेजी से फैलने लगा, क्योंकि मजदूर फैक्ट्री मालिकों से संतुष्ट नहीं थे। इससे बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ता चला गया और सरकार के प्रति मजदूर संतुष्ट नहीं थे। सरकार मजदूरों के इस असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। असंतोष दिखाने वाले मजदूर के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और 1917 जुलाई में बोल्शेविकों ने विशाल रैलियां की, पर सरकार ने उनका भारी दमन किया। बहुत से बोल्शेविकों के नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। आंतरिक सरकार और बोल्शेविकों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। इसी बीच बोल्शेविक पार्टी ने पेत्रोग्राद सोवियत के साथ मिलकर सत्ता पर राज करने का प्लान बनाया और साथ ही एक सैनिक समिति बनाई ताकि बड़ा विद्रोह कर सकें, और फिर 24 अक्टूबर को सबने मिलकर सरकारी दफ्तरों में हमला कर दिया और सरकारी मंत्रियों को बंदी बना लिया। इसमें सरकारी इमारतों पर युद्धपोत से भारी हमला किया। अन्य शहरों में भी बोल्शेविक पार्टी ने पेत्रोग्राद सोवियत के साथ मिलकर हमला किया और अपने कब्जे में ले लिया। बोल्शेविकों ने फिर किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी और शहरों के मकान में मालिकों के लिए पर्याप्त जगह छोड़कर छोटे छोटे हिस्से बना दिए ताकि बेघर को रहने के लिए जगह मिल सके। और फिर उन्होंने सेना और अफसरों की वर्दियां बदल दी और नई सोवियत टोपी जारी की गई। बोल्शेविक ने अपनी पार्टी का नाम भी रूसी कम्युनिस्ट कर दिया। पूरे रूस में अब सिर्फ एक ही पार्टी का नियंत्रण हो गया। बोल्शेविकों ने गुप्तचर पुलिस बनाई जो उनकी आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। शुरू में लेखक और कलाकार बोल्शेविकों के समाजवाद से आकर्षित हुए और अच्छे अच्छे लेख लिखने लगे, पर बाद में उनके ऊपर सेंसरशिप के कारण उनका प्रभाव कम होने लगा। वहीं एक और गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादी और राजशाही ने इकट्ठा होकर बोल्शेविकों, जिनको अब रेड्स भी कहा जाने लगा, उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। 1919 में रूस में ज़्यादातर हिस्सों में सामाजिक क्रांतिकारी यानी ग्रीन्स और जार समर्थक वाइट्स का कब्जा था। उनको अमेरिका, ब्रिटिश और जापान से मदद थी, लेकिन वाइट्स ने ज़मीनों पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। इससे गैर बोल्शेविकों ने उनका समर्थन करना कम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बोल्शेविकों के द्वारा समाजवाद के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया। इस गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी रखा और किसानों को रोटी की छूट दे दी। सभी जगह बोल्शेविकों ने शासन को केंद्रित किया और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास में बढ़ावा मिला और तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में वृद्धि हुई और नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने लगे। पर इन सबके बीच मजदूरों को दबाव में अधिक काम करना पड़ता था। जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी, वहीं दूसरी ओर शहरों के आसपास भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। किसान तय कीमत से अधिक कीमत पर अनाज बेच नहीं सकते थे और किसान इसके विरोध में थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान स्टालिन ने संभाली थी। बाई नॉट ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इस ऐप में बहुत सी अन्य वीडियोज हैं जिनसे आप अच्छे से समझ सकते हो और याद कर सकते हो, और बहुत सारे सेक्शन हैं जिनसे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी और एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी। जैसा कि अनाज के उत्पादन में ऑलरेडी संकट था और अनाज का कम उत्पादन हुआ था, पर स्टालिन को लगा कि किसान कीमतों की वजह से अनाज नहीं बेच रहे हैं।
स्टालिन ने अनाज को जब्त करने के कड़े आदेश दिए। इसके बावजूद भी जब फिर पर्याप्त अनाज इकट्ठा नहीं हुआ तो स्टालिन ने छोटे खेतों को फिर से मिलाने यानी खेतों का सामूहिकीकरण के आदेश दिए और खेतों को मालिकों को सौंप दिया गया। खेतों में सभी किसान काम करते थे और जो उत्पादन से लाभ होता था वो किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इससे गुस्साए किसानों ने अपना विरोध जताने के लिए अपने जानवरों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। जो किसान विरोध करते थे उन्हें सख्त सज़ा दी जाती थी और 1930 से 1933 की खराब फसल की वजह से 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में जिन लोगों ने स्टालिन का विरोध किया उन्हें अपराधी घोषित कर उन्हें मार दिया गया। स्टालिन सरकार ने लेनिन की समाजवादी विचारधारा को विश्व भर में प्रमोट किया। फिर वर्ल्ड वार सेकेंड में स्टालिन ने जर्मनी के साथ नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन किया और जिससे जर्मन को पोलैंड में राज करने का साथ दिया। लेकिन फिर 1941 में जर्मन ने उल्टा ही सोवियत पर हमला करके उनके कई राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन 1945 के अंत तक जर्मन पर कई देशों ने एक साथ मिलकर, जिसमें रसिया भी था, आक्रमण कर दिया और जर्मन को हरा दिया और रसियन ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। विश्व युद्ध के बाद रसिया सोवियत यूनियन और अमेरिका विश्व की बड़ी ताकतों के रूप में उभरी। फिर स्टालिन की मृत्यु 1953 में होने के बाद सोवियत यूनियन की सत्ता निकिता ख्रुश्चेव के पास आई और उन्होंने स्टालिन के सख्त कानूनों को बर्खास्त किया और कई नए बदलाव किए। लेनिन और स्टालिन की समाजवादी विचारधाराओं के विश्व भर में कई अन्य देशों जैसे रसिया, जॉर्जिया आदि में बहुत सारे प्रशंसक हैं। पर इस प्रभाव से बहुत तादाद में लोग मरे और बहुत जगह कत्ले आम हुआ। इनसे जुड़ी बातें धीरे धीरे उजागर होने लगीं।